शूटिंग के चक्कर में मेरे को एकदम बचकांड बना दिया यहाँ पर, कि जैसे मैं पहली बार टोरंटो आया हूँ और पूरे सारे पोस्ट करवा दिए कि मैं इतना ओवर एक्साइटेड हूँ, ओ माय गॉड, कि कनाडा की धरती पे आके मैंने बस मत्था ही देखा है। Welcome back to our channel, What If Canada. So today is Euro 2020 final, and I am all alone because Sid is here watching the finals between Italy and England. And honestly, मुझे इतनी ज़्यादा नॉलेज पहले कभी नहीं थी अबाउट फुटबॉल, बट आफ्टर मैरिंग सिद्धार्थ आई नो एवरीथिंग। Who are you supporting today? I am fancying that might be Italy will win. Come on. Should have scored it, man. They have done it. Italy has won it. हमारे को बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे अबाउट रिलेटेड टू कार इन ऑल दोज वीडियोस वी मेड अबाउट आवर फर्स्ट कार इन कनाडा, सो वी आर गोइंग टू आंसर दोज इन दिस वीडियो। उसके अलावा मैंने सिद्धार्थ को मना लिया, हम फिर से जा रहे हैं शॉपिंग मॉल। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई। उसके अलावा अब हम आते हैं वापस टॉपिक के ऊपर। सो यू गाइस आस्क्ड अस कि हमारी मंथली पेमेंट कितनी जाती है गाड़ी की एंड इंश्योरेंस के बारे में बताओ। सो हमारी मंथली पेमेंट गोज समवेयर अराउंड $400 फॉर द कार, एंड इंश्योरेंस जो है वो हमारी जाती है 285। इंश्योरेंस बेसिकली एरिया वाइज डिपेंड करता है कि आप कौन से एरिया में रह रहे हो, एंड देन आप कौन से लाइसेंस पे हो, G2 पे हो या G पे हो, एंड ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन द ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस दैट यू हैव। सो ये सारे फैक्टर्स मिल के आपकी इंश्योरेंस डिसाइड होती है। सो मैं 285 दे रहा हूँ एंड वो 420 हो गया, सो तकरीबन $700 तो इसके बन जाते हैं। बट दैट्स नॉट इट, उसके अलावा देर आर अदर खर्चे ऑल्सो, सो उसके बारे में आपको बता देते हैं। बट उससे पहले रोड क्रॉस कर लेते हैं। या यू इंटरप्ट मी एंड आई इंटरप्ट यू, अ शेम। सो ओवरऑल कनाडा में स्पेशली ओल्ड एरियाज लाइक डाउनटाउन, ऐसी आप जगहों पे जाओगे तो आपको ऐसी बिल्डिंग्स दिखेंगी विच काइंड ऑफ रेजोनेट्स दैट कनाडा इज स्टिल पार्ट ऑफ कॉमनवेल्थ, एंड ऑल्सो क्वीन की बहुत जगह पे आपको पिक्चर भी लगी हुई दिखेगी, सो दैट इज प्रिटी कॉमन हियर इन कनाडा। उसके अलावा बहुत सारी रोड्स का नेम आपको ब्रिटिश हिस्ट्री से रिलेटेड दिखेगा, और ये मुझे पता चला है जब से मैंने क्राउन देखना शुरू किया नेटफ्लिक्स पे, एंड आई बीन ऑब्सेस्ड विद दैट शो, एंड देखते देखते इतने सारे नेम्स थे विच यू नो गेट्स ऑन टॉप ऑफ योर माइंड, और यहाँ पे मैं रोज के नाम देख रही थी, लाइक अरे ये नाम भी वहाँ से रिलेटेड है। सो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस है इंग्लैंड का अभी भी कनाडा पे। एक ऐसी रोड का नाम तो बता दो। कैनेडी, ठीक है, क्वीन स्ट्रीट तो हर जगह ही है, ठीक है, उसके अलावा किंग स्ट्रीट भी हर जगह है, विंस्टन चर्चिल रोड, या एंड ये चीज डाउनटाउन के बारे में आई हेट यहाँ आके ये। You want only you.
शूटिंग के चक्कर में मेरे को एकदम बचकांड बना दिया यहाँ पर कि जैसे मैं पहली बार टोरंटो आया हूँ और पूरे सारे पोस्ट करवा दिए कि मैं इतना ओवर एक्साइटेड हूँ, ओ माय गॉड, कि कनाडा की धरती पे आके मैंने बस मत्था ही टेका है, मतलब लिटरली कम ऑन मैन। शैंपेन एयरपोर्ट ते जाना है और तो कनेडा दी फ्लाइट पकड़नी है। गाइस, आप में से जो भी पहली बार टोरंटो आएगा यहाँ आके आपको ऐसी फोटो खिंचवानी है। मैंने बहुत अच्छा ट्यूटोरियल आप लोगों को दे दिया इस वीडियो में। ये तो लाइक धर्म है हर इमिग्रेंट का, यहाँ आके ऐसी फोटो खिंचवाना है, कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे और इनके अंदर घुस घुस के देखो। And now coming back to the topic wherein we talk about the car. So as I told you, कि $700 के आसपास, $700 to $800 के आसपास आपका EMI और आपकी इंश्योरेंस लग जाती है इफ़ यू आर ओनिंग अ हैचबैक एंड अ सेडान। अपार्ट फ्रॉम दैट देर आर अदर कॉस्ट लाइक योर वॉशिंग का जो होता है, गाड़ी को धुलवाना होता है। सो आई हैव टेकन $20 पास। द थिंग इज़ कि $20 में आई हैव वन वॉश एवरी डे, आई कैन गेट इट डन। अगर मैं एक बारी कराने जाऊँ तो मेरे को $10 to $15 पर वॉश लग जाता है, बट यहाँ पर $20 के अंदर आई एम गेटिंग लाइक अनलिमिटेड वॉशेज, वन वॉश ईच डे, सो दैट सुपर कूल। रुको रुको रुको, सो जब हम लास्ट टाइम वॉशिंग के लिए गए थे हमने वो शूटिंग करी थी। ओह हाँ, मैं तो भूल ही गया कि हमने वॉश करवाया था, तो दिखा दें फिर इनको कैसे वॉश होती है गाड़ी। तो अब वो वीडियो हम चलाएंगे एंड अभी आप वो देखो। सोचो हमारी भी कोई ऐसे पूरी धुलाई कर देता yeah. रोज के रोज स्पा जाके ना मजा आ जाता एकदम। सोचो रोज ऐसे नहाना नहीं पड़ता, तुम ऐसे घुसते एक अंदर सेक्शन में, पहले ऐसे सोप लगता, शैम्पू लगता, फिर उसके बाद ऐसे पानी से शावर हो जाता, फिर ड्राई क्लीन हो जाते हैं, फिर ड्राई भी हो जाते हैं। देखो अब ड्राई होने लगे हैं। सोचो ऐसे ही होता हमारे साथ तो हमसे ज्यादा मजे तो गाड़ी है। राइट, सीरियसली मैन, आज कुछ ज्यादा ही अच्छे से नहीं धुल रही गाड़ी। आज हमने एक्स्ट्रा पैसे दिए ना। कौन सा लिए हमने? सुपर पैकेज, डीलक्स पैकेज। और अब हम कराएंगे आज पूरा इंटीरियर क्लीनिंग भी, जो कि होगा यहाँ पे। सो अब हम फाइनली अपनी गाड़ी साफ करा रहे हैं, इंटीरियर्स पूरे साफ हो रहे हैं, क्योंकि विंटर्स में इतनी गंदी हो जाती है गाड़ी। सो यू डेफिनेटली नीड कि पूरा इंटीरियर भी क्लीनिंग हो जाए, इंटीरियर में प्रॉपर क्लीनिंग हो जाएगी, जिसके अंदर आपके डैशबोर्ड्स, मैट्स एंड सीट्स वगैरह, लाइक हैंडल्स होते हैं, नॉब्स होती हैं, पूरा कंसोल है, तो वो सारा कुछ साफ़ हो जाएगा। सो अगर आपको अच्छी डील्स लेनी है अपनी गाड़ी के लिए, साफ़ सफाई कराने के लिए, तो नानक कार वॉश आपके नियरेस्ट लोकेशन में कहीं ना कहीं तो होगा। दिस इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड, बट यू कैन डेफिनेटली चेक देम आउट, इट्स रियली गुड। उसके अलावा देर आर स्टफ़ लाइक योर फ्यूल, जो कि एसेंशियल है ही आपकी गाड़ी के लिए, एंड समर में सिंस ट्रैवल ज़्यादा होता है, सो यू कैन एक्सपेक्ट समवेयर अराउंड $200। मतलब मैं अपना फुल टैंक करवाता हूँ जिस टाइम भी मैं गाड़ी को बाहर लेके जा रहा हूँ, एंड वी आर ऑन लाइक लोएस्ट पॉसिबल फ्यूल। सो $50 के आसपास आई थिंक पर वीक अगर आप लगाओ तो मेरा $50 लग जाएगा, बिकॉज इफ़ वी आर गोइंग आउट फार ऑफ, लाइक 200 किलोमीटर हम जा रहे हैं कहीं पे, या 100 किलोमीटर भी जा रहे हैं, एंड पूरे हफ्ते का अगर हम बाहर निकलते हैं, सो आई एक्सपेक्ट कि 500 किलोमीटर्स पर वीक वी कवर, एंड दैट्स लाइक इनसेन। उसके अलावा मैंने आपको मेंटेनेंस के लिए बताया था, सो लाइक हर रोज़ तो ऑब्वियसली न्यू कार में आपको इतनी मेंटेनेंस की जरूरत नहीं पड़ती। सो अराउंड 8,000 किलोमीटर्स आपको अपनी फर्स्ट सर्विस करानी होती है, एंड दैट विल कॉस्ट यू समवेयर अराउंड $70 to $100, एंड दूसरी फिर सर्विस अराउंड 16,000, जैसा इंडिया में ही होता था, 8,000 पे पहली एंड दूसरी 16,000 में, जिसमें ऑयल चेंज वगैरह होता है। सो दो सॉर्ट ऑफ थिंग्स आर देन देयर इन योर मेंटेनेंस। अपार्ट फ्रॉम दैट और चीज़ें भी हैं, जैसे आपको हवा हवा भरनी है, तो यहाँ पर लाइक यू डोंट जस्ट गो आउट एट द पेट्रोल स्टेशन एंड आस्क समवन कि आप हमारी हवा भर दीजिए गाड़ियों की। सो वो भी हमने भरते हुए आपकी शूटिंग करी है, तो वो भी दिखा दोगे? हाँ ठीक है, वो भी आपको दिखाएंगे, बट उससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बता दूँ। सो ये वाले जो समर टायर्स हैं, ऑल सीजन टायर्स हैं मेरे, इसके अंदर TPMS लगा हुआ है, जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था, TPMS इज़ योर टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, जिसके अंदर अगर मेरा प्रेशर टायर का कम हो जाता है, सो इट गिव्स मी अ वार्निंग दैट द प्रेशर इज़ लो एंड यू नीड टू गेट एयर इन योर टायर्स, एंड जब भी कम होएगी तो जाके दोबारा से हवा भर लेंगे। अगर आपके पास खुद का हवा भरने की मशीन नहीं है तो हर पेट्रोल स्टेशन पे आपको ये दिख जाएगी, एंड बेसिकली आप एयर चेक कर सकते हो, जो कि फ्री है, बट अगर आपको हवा भरनी है तो $1 to $2 तक
यूल हैव टू शेल आउट मनी अराउंड 35-36. तो आई थिंक जो मेरी 36 PSI है जो हम पेट्रोल पंपों पे लाइक भैया लोगों को टिप दिया करते थे, वो टिप हमारे को इधर देनी पड़ती है हवा भरने की अपने आप को ही. कोई नहीं, मैं आपको टिप दे दूंगी. ओके, इसके बाद जहाँ बोलोगे वहाँ खाना खाएंगे. या वही कर सकते हैं. All good. So basically, एक चीज है कि गाड़ी लेना लगता है कि it's easier since zero down पे ले सकते हो. Right. But उसकी maintenance is very costly. So you have to be very sure that you are able to afford that car. क्योंकि approximately 800 तो आपका insurance और EMI में जाएगा. But उसके ऊपर बहुत सारे खर्चे हैं जो हमने अपनी पुरानी videos में बताए, like parking, petrol और उसके बाद जो maintenance का of course cost है. So that's going to be huge and that's going to be like a major chunk of your monthly expenses. मतलब $1,000 तो आप लगा के चलो कि लगना ही लगना है. 1,000 से 1,200. Exactly. अब कहाँ जा रहे हैं हम? अब हम चलते हैं तुम्हारा H&M पे चेंज करवाने के लिए, अगर तो दुकान खुली हुई है. हाँ, आई थिंक वो 10 बजे तक खुला होता है. लाइक मॉल विल क्लोज बट H&M विल बी ओपन. वहाँ चलते हैं. राइट. आपको अभी ये पीछे से टंग टंग सुनाई दिया. सो दिस बेल बेसिकली रिंग्स एवरी आवर. बहुत बड़ी क्लॉक है यहाँ पे नेथन फिलिप्स स्क्वायर पे, एंड जैसे जैसे एक एक घंटा चेंज होता है वो टंग टंग बजता है. सो ये उसकी आवाज़ थी, टंग टंग टंग. नहीं, वो तो ऐसा होता है टंग टंग टंग. सीटी बजानी आती है आपको? नहीं, मुझे भी नहीं आती. मास्क में लोग अब सीटी कैसे बजाते होंगे? इसमें इंसर्ट कर देना ऑडियो मेरे. एंड मॉडर्न प्रॉब्लम्स रिक्वायर modern salute. So now we are at Yonge and Dundas, and this is basically Times Square of Canada. Like there are huge buildings, shopping complexes, and all sorts of entertainment happens here. So यहाँ पे आपको दिखेंगे बहुत सारे street dancers. उससे याद आया, we made a reel about a street dancer last time we visited downtown, and that kind of blew up. उसमें 100K से ऊपर हमारे को views आए. But the best part was the street dancer who was there in that reel, he saw that reel and he commented and he was so happy to see that. Power of social media is insane. We don't even know हमारी videos कौन देख रहा है, क्या हो रहा है. And that is why I always say, guys, if you are watching our video, do put a comment below, because we would love to know who are you guys who actually watch our video. बहुत अच्छा लगता है when we get comments from people and they, you know, talk about what we are saying in those videos. So it'll be amazing if you guys comment below and tell us more about you. We would love to know more about you guys. And comment नहीं होता तो एक like तो hit कर ही दो यार. I know that also, you know, supports our channel और बहुत motivation मिलती है when your video performs well. So थोड़े time से it hasn't been doing so well. It is kind of disheartening. But anyways, we don't do it for views. So हम लोग videos continue करेंगे. But अगर आपको हमारी videos अच्छी लगती हैं, do hit the like button, do put a comment below and subscribe ज़रूर कर लेना. So that's it for this video, guys. We'll see you very soon next time every Wednesday and Saturday on What Up Canada. And अगर आप हमारी day to day life से connect होना चाहते हैं, do follow us on Instagram as well. So until next time, take care of yourself, your family, and stay connected. Bye. Bye.